यूपी विधान परिषद के सभापति रमेश यादव की बेटी की हत्या के आरोप में गिरफ्तार मां को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पुलिस ने आरोपी मां मीरा यादव को कोर्ट में पेश कर रिमांड मांगी थी, जिसके बाद अदालत ने बेटे अभिजीत की हत्या के आरोप में मीरा यादव को जेल भेज दिया। पुलिस ने कोर्ट में मीरा के हत्या के कबूलनामे की बात कही, जिसके बाद मीरा यादव ने हत्या के आरोपों से इनकार कर दिया। पुलिस ने अदालत से मीरा के मजिस्ट्रेटी बयान की भी मांग की, जबकि मीडिया के सामने आरोपी मां मीरा यादव ने हत्या से इनकार करते हुए दावा किया कि अभिजीत ने खुद फांसी लगाई थी और पुलिस उन्हें फंसा रही है, जबकि इससे पहले मीरा यादव ने मीडिया के सामने बेटे की हत्या के लिए पति को जिम्मेदार बताया। हमने हत्या नहीं किया, मेरे ऊपर झूठा रहा अरे इनको पकड़िए, इनको मुझे गलत नहीं बता, मेरे ऊपर झूठा आरोप लगाया। अपने आप मारा, चलिए चलिए चलिए, अरे क्या हुआ, वो अपने आप मारा, चलिए उठिए उठिए, उसने अपने आप फांसी लगाई। हमारे बेटे को मारने की साजिश की गई है, हमारे पति रमेश यादव ने। उनकी मृत्यु गला दबाकर की गई है, स्ट्रैंगुलेशन पाया गया। उसके बाद पुलिस विवेचना में जुटी और साक्ष्य जुटाना शुरू किया, उनकी परिवारिक जनों से बात की, उनकी मदर से भी गहन पूछताछ की गई तो उन्होंने स्वीकार किया कि कल रात में उनका बेटा नशे की हालत में उनके साथ विवाद कर रहा था, अभद्र व्यवहार कर रहा था, इसी के बाद उन्होंने यह घटना कारित किया है। अजीत हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अजीत, जिस तरीके से मीरा यादव का बयान यहाँ कई संशय पैदा कर रही है, पहले उन्होंने कहा कि उसके सीने में दर्द था, उसको दवा लगाई, फिर उसने कहा कि उसने खुद ही आत्महत्या किया और अभी पति को जिम्मेदार बता रही है, आखिरकार सच्चाई क्या नजर आती हुई दिख रही है? बिल्कुल अर्पिता, जब से ये घटना हुई तब से उनकी मां यानी जो आरोपी हैं मीरा लगातार अपने बयान बदल रही। हालांकि जो पुलिस को 161 का बयान दिया उसमें उन्होंने अपने बयान अपने हत्या को कबूला और कहा है कि उसे पहले धक्का दिया, सर में चोट लगी, जमीन पर गिरा, उसके बाद अपने दुपट्टे से उसका गला दबा के हत्या कर दी और बाद में दुपट्टे को जला दिया। लेकिन जब मीडिया के सामने मीरा आई तो तीन बार तीन बयान दिया। पहले बयान में उन्होंने पति पर आरोप लगा दिया और दूसरे बयान में उन्होंने कहा कि मुझे फंसाया जा रहा है, बेटे ने खुद फांसी लगाई है और मेरा कोई दोस्त नहीं है। और अभी जब 14 दिन की न्यायिक हिरासत में उन्हें कोर्ट से भेजा गया, जेल भेजा गया, तो कोर्ट से बाहर निकलते हुए उन्होंने और कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मेरी संपत्ति का बंटवारा हो, मेरे बेटे के पास कुछ नहीं है और मुझे फंसाया जा रहा, मैं बिल्कुल निर्दोष हूं। तो निश्चित तौर पर तीन बयान आरोप मीरा के हैं जिन्होंने कई सारे सवाल खड़े किए और इस बात को लेकर साफ तौर पर अभी जाहिर है कि जो पुलिस कह रही है, जो पुलिस के बयान में कबूला है वो बिल्कुल अलग है और जो खुद मीडिया के सामने वो बयान दे रही है वो दूसरी बात है। बिल्कुल अलग है। चलिए, बहुत शुक्रिया जी।